बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फिफ्थ अम्पायर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, कल फाइनल होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, उस पर तो हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन कल के दिन, गुज़श्ता दिन जो गुज़रा है, उस दिन हमने एक नुक्ते पर बहस की थी और उस नुक्ते पर इतनी बहस हुई कि हमें यह लगा कि उस पर मज़ीद गुफ्तगू होना दरकार है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। हमने बात की पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे की कि पाकिस्तान का क्रिकेट ढांचा किन बुनियादों पर उस्तवार किया गया है, क्या उसी बुनियाद पे वो आगे बढ़ता जा रहा है या बुनियादें हिल चुकी हैं। तो इसी पे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे आज के दिन और फिर उसके बाद कल के मैच पे बात करेंगे। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं साबिक CEO PCB आरिफ अली खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत मशहूर हूँ 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, जिस तरह कल हमने बातचीत सर, जो हमने कल एक पहलू को उजागर किया क्लब क्रिकेट के हवाले से, फ्रेंचाइजेस के हवाले से, एक खबर आज अखबार में छपी कि दो क्लब का मैच हुआ। एक क्लब का नाम था खिजर, वो क्या करते हैं 440 रन बनाते हैं और मुकाबले की दावत देते हैं, दूसरी टीम आती है और 8 पर आउट हो जाती है, 432 के मार्जिन से वो जीतते हैं, वॉकआउट हो रहा है, वॉक ओवर हो रहा है ये क्लब क्रिकेट में। क्या समझते हैं आपके क्लब क्रिकेट का हमने हाल क्या बना दिया? फ्रॉड है। आप देखिए, उससे पहले एक आदमी ने एक क्लब ने 528 बनाए थे और वो दूसरी टीम ने बहुत कम बनाए रन, मगर ये क्या है, ये इसके माने टोटल डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसरे है, इसको कहते हैं एनआरकी। और ये एक कप्तान अंपायर को पीट रहा है, कैन यू इमेजिन, ये कभी सुना है आपने कि अंपायर को कप्तान दूसरी टीम का पीट रहा है और वो फिल्म पे है और इसको ये कह रहे हैं कि हमने बहुत इम्प्रूव कर दिया क्रिकेट को। हाँ, इम्प्रूव पता नहीं कैसे किया है, मगर वो ये तो क्लब क्रिकेट नहीं थी कभी भी पाकिस्तान में। जब 3 मैचेस होते थे साल में, जब भी नहीं थी ये हाल, मगर ये जो कर दिया है, ये तो एक तरह का अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। और ये जो मैचेस थे, ये तो इन डिटेल रिपोर्ट होते थे, अब ये छुपाए जा रहे हैं, अखबार में छुपाए जा रहे हैं, ये क्या है, ये तो एक तरह का फ्रॉड है बहुत बड़े पैमाने पे। आमिर भाई, आपका अगर आपका इस वक्त जो जो जी 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 अब्बासी साहब बात मुकम्मल कीजिए। ये आपके जो इस वक्त जो पेट्रन है, उन्होंने खुद कहा था कि ये जो पेट्रनशिप प्रेसिडेंट हाउस की होती है, जो भी प्रेसिडेंट हाउस को ऑक्यूपाई करे, और वो जनरल बॉडी ने दी हुई है। तो अगर मैं पावर में कभी आया इंशाल्लाह, तो ये मैं पहले दिन ट्रांसफ़र कर दूंगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट हाउस को। तो वो तो अभी तक नहीं हुआ, 3 साल हो गए हैं। तो ये तो इसकी बुनियाद है। तो इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं लोगों को, वो आके यहाँ पे एक और केओस मचा रहे हैं। और वो कहा जा रहा है, वो जो चेयरमैन अभी चले गए हैं, कि वो ये कह रहे थे कि ये जो वसीम खान है, ये 12th मैन थे मेलबर्न टेस्ट के अंदर जब पाकिस्तान जीता था, वहाँ तो मैं भी बैठा हुआ था, मैंने तो नहीं देखा इनको कभी भी। आमिर बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें ये कभी आए या कभी गए। ये इस तरह के झूठ के पैमाने पर आप कब तक चलेंगे? ये तो बहुत पुराना कॉल है ना, कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर आपका कोई चांस नहीं है कभी पीस का या वेलबींग का या कोई पैमाने पे आप कुछ काम कर सकें अच्छे पैमाने। मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, गुफ्तगू को यहीं से फिर आगे भी बढ़ाएंगे। आमिर भाई, जिस तरह अब्बासी साहब इशारा कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्लब क्रिकेट का जो हाल, ये एक खबर आप ले लें, ये तो पंजाब में थी, आपको दिखाई दे गई, आप चले जाएं सिंध के अंदर, आप चले जाएं KP के दूर दराज इलाकों में, वहाँ क्या हाल हो रहा है वो तो हमें पता नहीं। देखिए, ये पैनिक में सारा कुछ किया है। देखिए, जो आपने वोटर्स, जो वोटेड क्लब्स थे, उनके वोट कैंसिल किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस लेके आए, और उसके बाद आपने देखे, आपका जो PCB का जो जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी के जो वोटेड क्लब्स हैं, वो सारा हाउस बनाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने फैसले करने होते हैं, उनके बगैर अगर फैसले जो भी करेगा वो इलीगल होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप देखें कि ये जो नया स्ट्रक्चर आया है, इसको आए कितना अरसा हो गया है। क्लब क्रिकेट जो है,
अगर एसोसिएशन दो टूर्नामेंट नहीं कराती है एसोसिएशन बैन होती है, आपको पता है इस चीज़ का। और जो मॉनिटर कर रहा है वो नहीं कि खुद नहीं करवा रहा तो उसके साथ क्या करना चाहिए। बेसिकली आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैंने कल भी एक चीज़ की निशानदेही कही थी, वो ये कि ये लॉबी जो है डेकेड से जो है प्लांट की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इन्होंने मेक श्योर किया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे ना बढ़े। थोड़ी सी बेहतरी आई पिछले दो डेकेड्स में, जब एजाज भट्ट साहब ने थोड़ा सा आके डंडा शंडा दिया, उस वक्त टीम भी आपकी अच्छी थी, यूनस खान की कैप्टनसी में आप एक T20 वर्ल्ड कप जीत गए, या आप जो मेहनत हुई भी थी 2011-12 में आपके जो नए प्लेयर आए उनकी वजह से आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए। अदरवाइज़ आप देखें कि आपका जो फेम है वो किस चीज़ का है, आप बड़ी सीरीज़ हार जाते हैं, आपकी क्रिकेट वहीं के वहीं ठहरी हुई है। यह रिसेंट एग्जांपल है ना आपके पास। देखिए अगले साल एक और वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, ठीक है। अब आपने हफीज़ और शुएब मलिक को कैरी ऑन करवा दिया बांग्लादेश का टूर, इसका क्या मतलब है? आप अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास है कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, आपके पास है कोई नहीं। जब आपकी नर्सरी नहीं, आप देखें एक बच्चा नर्सरी में नहीं आप भेजते, स्कूल में आप उसको भेजते नहीं है, कॉलेज में आप उसको भेजते नहीं, आप कहेंगे ये डॉक्टर बन जाए, तो फिर भाई यही होगा। मैं तो अब मुझे तो आप अजीब लगता है ऑनेस्टली इस पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करते हुए, लेकिन ये जो लॉबी है ये अपनी लास्ट लेग पे है, मेरी बात याद रखिएगा। ये लॉबी मुतहरक थी काफ़ी अरसे से कि किसी को किसी जगह पे लाना था, वो ला के बिठा दिए गए, अब उनके जाने का वक्त होगा इंशाल्लाह ताला, तो ये सारा कुछ जो है ठीक होगा। अब्बासी साहब, मैं इसी पे आपकी राय भी जानना चाहूँगा। आप ये देखिए कि हमने ग्लोरीफाई किया पिछले कुछ 3-4 सालों में PSL को, हमने ये कहा कि हमने बैन अलाक्वामी क्रिकेट को इसके ज़रिए बहाल करना है। जब आपने तवज्जो मरकूज़ कर ली है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर और अपनी टीम के ऊपर सिर्फ, लेकिन उससे जो चुनाव आपने करना है वो 6 टीमों से करना है, तो जब 6 टीमों से आप चुनाव करेंगे वहाँ पर कुछ आएगा नहीं, नर्सरियाँ आपकी मौजूद नहीं है, तो आप किधर जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते आप बैकवर्ड जा रहे हैं। और अब मैं समझता हूं कि ये कोई बॉटमलेस कुआं है, इसलिए कि हम सोचते हैं कि ये अब ठीक हो जाएगा, पता चला कि एक और डेप्थ भी है, उसके बाद एक और डेप्थ भी है, और ये जो हुआ है पीटना अंपायर को, ये तो कभी हुआ ही नहीं है क्लब क्रिकेट, क्या स्कूल क्रिकेट में नहीं हुआ है ये कभी। और ये तो मैं पढ़ के इसको, मैं तो आई वॉज अमेज्ड कि ये हो क्या रहा है, ये तो मजाक है एक तरह का, ये इसको ये आप कॉमेडी भी नहीं कह सकते, इसलिए कि ये बड़ी सीरियस चीज़ है। एक नेशनल इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और आपको पता है कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अब आप में इतनी अना है कि आप बैकवर्ड के बजाय आप रुक जाएं उसको, और आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मैं आपकी इजाज़त तो आज पूरा सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नहीं नहीं आप, नहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बॉडीज में नहीं आ सकता, क्रिकेट की जो है जिस तरह रीजनल क्रिकेट है या कोई और है उसमें नहीं आ सकता, तो जो इन्होंने इंटरिम बॉडीज बनाई हुई नो ऑफिशियल पोजीशन नो, ठीक है जी, जो इन्होंने इंटरिम जो बॉडीज बनाई है उसमें तो कुछ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अपने रूल आप खुद ही तोड़ रहे हैं अभी, ये तो फॉर्मूला है फेलियर का, ये फॉर्मूला नहीं है। देखिए किसी दुनिया के अंदर क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन कभी इतना डिस्कस हुआ इतना पाकिस्तान में हुआ है, इसका क्या रिफ्लेक्शन है? इसका रिफ्लेक्शन ये है कि आपको मैनेजमेंट नहीं आती और आप लोगों को, आप जनरल बॉडी को हैंडल नहीं कर सकते, तो आप नए नए रास्ते ढूंढते हैं कि भाई किसी तरह से हम इनको अवॉइड कर जाए ताकि हम जो चाहें वो होता रहे। आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन है ऐसा जो नहीं कह सकता है? एक आदमी है कोई? सब बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ नॉमिनेशंस, तो नॉमिनेशंस कहाँ से आ गया क्रिकेट बोर्ड के अंदर? और जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या ऐसी तकलीफ हो रही थी इनको कि उसको 10 दफ़ा बदल दिया,
क्यों, किसी मुल्क में हुआ है ये? कभी नहीं होता ये, और कोई मुल्क नहीं है दुनिया में, बिकॉज कॉम्पिटेंस है ना, कि जो 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 आड़ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन एक दफा बन गया बस हो गया, वो अमेंड हो सकता है, बार बार चेंज भी करते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन, नो एक इसीलिए चेंज करते हैं ना कि मैनेज नहीं कर पा रहे। अवासी साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, क्या समझते हैं आप? मैं बड़े दिनों से ये सवाल सोच रहा हूँ, पता नहीं न जाने क्यों मैं किसी से पूछ नहीं पाया। मैंने आप पूछा, न्यूट्रल अंपायर का तज़करा बड़ा होता है कि न्यूट्रल अंपायर कोई एक शख्स लेके आया था क्रिकेट में, आप क्या समझते हैं ये न्यूट्रल अंपायर कौन लेके आया था बुनियादी तौर पर? अवासी साहब ही लेके आए। आप मेरी किताब पढ़ लें, उसको पता चल जाएगा। तो क्रेडिट कोई और क्यों लेता? साल 7 साल के बाद, अरे ये दुनिया भर लेती है, आप देखिए एनपी के सालवे लेते हैं कि वो वर्ल्ड कप लाए थे, वर्ल्ड कप कहाँ से लाए थे, वर्ल्ड कप हम लोग लेके आए थे, पहला वाला भी हम लोग लेके आए थे, और फिर ये हमारे पास आए थे, सालवे जो थे वो मिनिस्टर थे इंडिया के और फिर प्रेसिडेंट भी बन गए थे, मगर वो फिर ले आए थे कि हमें भी इन्वॉल्व कर लें साहब, ये तो ये सब लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑल इन ब्लैक एंड वाइट, और इस किताब की लॉन्चिंग तो MCC ने की थी, आमिर को पता है। दुनिया झूठ के ऊपर, एक बात कथा कलामी माफ जी जी हाँ, ये दूसरी बात, ये कथा कलामी माफ करें, मगर द फैक्ट द मैटर इज के इसको 7 साल लगे थे, बड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है अगर आप कोई चेंजेस लेके आए, वो ICC रेफरीज भी इसी तरह आए थे, थर्ड कंट्री अंपायर्स भी इसी तरह आए थे, और मैंने तो लिखा है कि डोनाल्ड कार ने और एलन स्मिथ ने जितनी मेरी मदद की है किसी ने नहीं की, फॉर अ फैक्ट इज के पाकिस्तान से मेरी मदद किसी ने की ही नहीं, ये बातें पहले वाले ये बातें जब तक जिंदगी रहती है तब तक याद रहती हैं कि बढ़ावा किसने दिया था, साथ किसने दिया था और कौन साथ छोड़ गया था। मैं जब बात चल निकली है तो इसी पे आमिर भाई एक और सवाल करना चाहता हूँ, क्या समझते हैं बिग थ्री उसको सपोर्ट करने में पाकिस्तान का भी हाथ था, पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने ये सपोर्ट करने का कहा था? मुझे याद पड़ता है एक बात पता चली थी कि आपको भी किसी का फोन आया था, एक्चुअली आरिफ अब्बासी साहब को किसी का फ़ोन आया था सही कि जी आप बिग थ्री को में आप इंडिया को सपोर्ट करें, तो अब्बासी साहब से पूछ लें उन्होंने उस बंदे का नाम क्या था या उस बंदे को जवाब क्या दिया था। अब्बासी साहब फिर आज ये भी राज खोल दें, क्योंकि हम तो बिग थ्री को लेकर शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत से तहफ़ुज़ात का शिकार हैं, तो ये बिग थ्री को सपोर्ट करने के लिए आपको किसने फ़ोन किया? वो जेल में है अब, किसकी तरफ इशारा कर रहे? इंडिया के, और उनके सन एंड ऑल भी जेल गए, वो जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो मुझे जानते भी नहीं थे, उनको किसी ने कहा था कि साहब उनको भी फोन कर दें, आई थिंक बिंद्रा जी ने किया था या किसी ने कहा था, मगर अब्बासी साहब सॉरी, वो क्वेश्चन ये है कि जब बिग थ्री का मामला चल रहा था तो किसी पाकिस्तानी एक्स प्लेयर ने आपको फोन किया था के आप बयान दे के इंडिया को सपोर्ट करें, यस, और जिन्होंने कहा था कि जी वहां से प्याज भी मंगवाते हैं सारा कुछ, तो फिर वो कौन थे? अब याद आया सर, ये बात ये आप हाँ अब याद मुझे याद है, मगर ये तो लॉबिंग हुई, ये तो खत नहीं हुई, ये तो कॉल नहीं हुआ मगर लॉबिंग हुई, ये आपके जो आजकल प्रेसिडेंट क्या है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है क्या है, उन्होंने किया था कि आप प्याज भी खरीदते हैं ये भी करते हैं तो इनको भी सपोर्ट कर देना फिर। कौन थे अब्बासी साहब? और उसका आपने देख लिया कि जो प्रेसिडेंट थे वो भी जेल गए, उनके सन इन लॉ भी जेल गए, और बिग थ्री अब स्मॉल थ्री हो गए। ये नहीं, वो पाकिस्तानी कौन था? वो पाकिस्तानी कौन था जिसने आपको कॉल किया? मैंने बताया दिया ना आपको कौन था, कौन आजकल आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या क्या है, चेयरमैन रमीज राजा, और कौन
आमिर भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया के अंदर खेल को परखा जा रहा है और परख के फिर खेलने की कोशिश की जा रही है, तो वो जो परखना है और सीखने का अमल है वो बायोमैकेनिकल पे चला गया है, हम रिवायती तरीकों से अभी तक जा रही हैं, तो उसमें तब्दीली लाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? देखिए बायोमैकेनिक्स थी, उसको मैंने चालू करवाया, क्या कर रहे हो आप? उसको मैंने चालू करवाया और उसके बाद बंदा हमने सोर्स किया बाहर से, बंदा देखिए ये ह्यूमन मोशन है, और जो जितने भी आप एनिमेटेड मूवीज देखते हैं वो बायोमैकेनिक्स मूवमेंट के ऊपर बनती है। सो हमने एक जो जो एनिमेशन का मास्टर था, जो हॉलीवुड की मूवीज में एनिमेशन करके देता था, बाय द आवर थाउजेंड ऑफ यूएस डॉलर्स वो लेता था, उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि आके इसको चला के दें। उसको चलाया, हम सारा कुछ बना रहे थे, इतनी मुश्किलें क्रिएट की उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने, उस वक्त मैंने सारे पाकिस्तान से प्लेयर बुलवाए हुए थे, ये जो अभी खेल रहे हैं सारे, उनमें से काफ़ी जो खेल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे उस वक्त। बायोमैकेनिक सारा कुछ करती, सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, ये क्या हो रहा है, प्लेयर क्यों है यहाँ पर। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ, ये जो काम करने वाले लोग थे उनको काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इनका एजेंडा था कि क्रिकेट आगे नहीं जानी चाहिए, किसी को कहीं पर पहुँचाने के लिए। ये मैं 2009 या 10 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एकेडमी बिल्कुल खोल दी थी, जो बंदा समझता कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ आए, हम उसको देखेंगे, हम सबको देखते थे। ये बाबर आजम भी उसी में से है और बड़े नाम है। जब मैं रिज़ाइन करके गया हूँ तो लड़के प्रैक्टिस करने आए तो उन्होंने कहा जी मेला ख़त्म हो गया। क्यों? उन्होंने कहा जी एकेडमी बंद है प्लेयरों के लिए। सो ये इन्होंने बेसिकली ये एक एजेंडा है जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ है। आप देखें ना, क्लब क्रिकेट 480 स्कोर यार 40 ओवर्स में, 440 और अगली टीम 8 पे रन पे आउट हो रही है, ये एजेंडे के तहत किया गया है। लेट मी टेल यू, ये एजेंडे, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये कि ये लास्ट लेग पे खड़ी है, ये जो एजेंडा था ना, ये जो लॉबी है लास्ट लेग पे खड़ी है, और जितने लोग सारे आइडेंटिफाई कर लें कितने अरसे से इस क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेक श्योर किया है कि क्रिकेट आगे ना जाए, इनको आपने आइंदा वक्त में जब विंड ऑफ चेंज होगी इनको आपने क्रिकेट बोर्ड के आसपास फड़कने नहीं देना। अब तो सिफारिशात पे और गुड बुक्स के ऊपर चुनाव होता है। मैं एक वाकया जानना चाहता हूँ, अब ये आप बताएंगे कि अब्बासी साहब की तरफ बढ़ूँ, कि आपका चुनाव किस तरीके से हुआ था? देखिए मेरा चुनाव मैं आपको बताता हूँ कि ये आरिफ अब्बासी साहब उस वक्त सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड थे, तो इन्होंने जो है टैलेंट हंट के लिए लोग सादिक मोहम्मद साहब और बड़े बड़े नाम रखे होते, उनको ड्यूटी लगाई होती थी कि प्लेयर हमें आइडेंटिफाई करके देना। मुझे याद है इन्होंने पहला मैच मेरा देखा PIA का, दैट वाज इन 87 मुझे या 88, मैंने एक लंबा स्कोर किया, इनको सादिक मोहम्मद साहब ने कहा कि इज़ अ गुड प्लेयर। फिर ये मुझे पिंडी में भी देखने आए, इन्होंने मेक श्योर किया इसकी 3-4 इनिंग्स मैं देखूँगा खुद बैठ के, मैं खुद सेटिस्फाई होऊंगा, फिर इस बंदे का नाम। और ये मेरे साथ नहीं, ये जितने भी प्लेयर खेलते थे ये लोग इसी तरह लेके आते थे, ये अपनी जॉब को जॉब समझते थे, जिम्मेदारी समझते थे, और इनको एक उस जिम्मेदारी का एहसास था कि हमने जिसको पाकिस्तान खिलाना है मेक श्योर करके खिलाते थे कि ये अच्छा प्लेयर है। अब्बासी साहब ये वाले लोग जिस तरह है ना, अब आप मुझे ये बताएं क्लब क्रिकेट हो रही है कौन है? अब्बासी साहब जैसा तस्करा, एक लड़के ने अभी अंडर 19 के कुछ मैचेस में 300 किए हैं, उसका अगली क्रिकेट में नाम नहीं, आप मुझे बताएं वो किधर जाएगा इसके बाद? वर्कशॉप में जाएगा जहाँ पे काम करता है। यही अब मैं अब्बासी साहब ये जिस तरह तज़करा कर रहे हैं, जिस तरह डेडिकेशन की बात कर रहे हैं कि एक सेक्रेटरी स्पोर्ट होते हुए आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं खिलाड़ी का चुनाव करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन आप अब देखें कि अकेडमी के अंदर बैठ कर ही चुनाव किया जाता है, फिर अवाम के तहफ़ात पर टीम तब्दील कर दी जाती है, क्या अब वो प्रैक्टिस हो रही है? नहीं, कहाँ है, मैंने तो नहीं सुना, मगर ये जो प्रैक्टिस जिसके बारे में आमिर कह रहे हैं ये पब्लिकली कभी किसी को नहीं पता था कि कौन सादिक मोहम्मद कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं या मोहसिन खान किधर जाते हैं, ये किसी को नहीं पता होता था। ये बात करने वाली है ही नहीं, इसको एक दफ़ा उनने अपना काम कर दिया उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहती है।
और आप किसी को तो ट्रस्ट करेंगे ना लाइफ में कि नहीं, तो वो इसी ट्रस्ट बेसिस पे काम होता है। मगर डेलीगेशन भी इसके अंदर ज़रूरी है, और डेलीगेशन जब ही होता है जब आप किसी को ठीक से जान जाए, ऐसे नहीं आप ब्लाइंड नहीं खेलते। और ये जो आप कह रहे थे ये अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बार बार क्यों बदला जा रहा है, आईन को बार बार तब्दील क्यों किया जा रहा है, उसको क्यों जवाज बनाया जा रहा है। अगर आईन एक बन चुका है तो अब पहले जब बनाया गया था तो उस वक्त उसमें सुकम क्या थे कि जो अब तब्दील करने की जरूरत पड़ रही है। इसी पे मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें क्रिकेट एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब। अब्दुल गफ्फार साहब बहुत मशगूल हो 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बात ब्रेक से पहले हो रही थी क्लब क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान के जो क्रिकेट का ढांचा है उस पर बात हो रही थी कि किस तरीके से हम जवाल पजीरी की तरफ गामजन है। क्या समझते हैं जिसकी जो बुनियादी वजह है हमारी जवाल की तरफ गामजन होने की, और इसमें बेहतरी लाने के लिए हमें कितना अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा, कितने चेहरे मजीद तब्दील होते रहेंगे। देखिए, जो आपने बात की ना चेहरे तब्दील होना, देखिए सारा मामला शुरू हो जाता है जब कोई गवर्नमेंट आती है तो चेयरमैन तब्दील, और जब गवर्नमेंट जाती है तो चेयरमैन फारिग। ये जब तक मामला चलेगा तो कंटिन्यूटी कैसे आएगी, क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस करते हैं, ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फील्ड नहीं है या बिजनेस नहीं है जहाँ आपने 8 डिसीजन लिया और 1 महीने बाद आपको फल मिल जाएगा। ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। आपको लोगों को वक्त देना है, लोगों को ट्रस्ट करना है, लोगों को जो मैनेजर्स हैं उनको अपनी फील्ड में प्लान्स बना के एग्जीक्यूट करने हैं। ये जब तक मामला सर ख़त्म नहीं होगा ना, ये जो आपके चेयरमैन की तब्दीली 3 साल पूरे ना भी हों, अभी रमीरा साहब मौजूद हैं, अभी खुदा ना खास्ता जब ये जब वक्त तब्दील होता है कुछ ऐसा होता है तो वो चेयरमैन नहीं होते, या जब इससे पहले नजम सेठी साहब के ये हुआ था, हालांकि वो इस पर ठीक काम कर रहे थे, ठीक है उनके बहुत सारे और लोगों के इख्तलाफ हो सकते हैं, बट क्रिकेट की हद तक बस वजह क्या बनी उनके जाने की, पॉलिटिकल जो चेंज था गवर्नमेंट का चेंज। सो पहले तो आपको अपने आइन को इन चीज़ों को ठीक करना है कि कंटिन्यूटी ज़रूर चले। फिर आपके आमिर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और आरिफ बासी साहब भी इससे पहले मौजूद थे, अभी शायद हैं, आपने इतनी तब्दीलियाँ की हैं कायदे आलम ट्रॉफी के इवेंट में कि बहसे जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें 3-4 फ़ोन करने पड़ते थे अपने बाकी जर्नलिस्ट दोस्तों को कि भाई 3-4 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, इतनी तब्दीलियाँ हमने की हैं, कभी 12 टीमें, कभी 16 टीमें, कभी ये टीमें। एक मॉडल इख्तियार कर लीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिए, क्लब का भी एक कानून बना लीजिए। बातें बहुत हो रही है पिछले 1-2 साल से भी, शुक्र है कि चले रमीज राजा साहब आए हैं, अब वो अब टेबल हो के इन चीज़ों को एक प्लान आउट करने लगे हैं, लेकिन खुदा के लिए जो भी अब ये प्लान बन रहा है इसको एग्जीक्यूट होके चलने तो दीजिए। सही, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब्बासी साहब क्या समझते हैं जिस तरह बात हो रही है कि चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म से मशरूत है, अगर वज़ीर आज़म तब्दील होगा, टेनोर तब्दील होगा तो चेयरमैन भी तब्दील हो जाएगा, ये जो पॉलिटिक्स के साथ एक कुर्सी का मशरूत हो जाना, इससे बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अगर हम दिफाई चैंपियन T20 वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज को देखें, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उनकी, जेलिन नहीं थे वो टीम के अंदर, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे जो सियासत का बड़ा अमल दखल है, गवर्नमेंट बहुत इन्वॉल्व है वहाँ पे बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर क्या देखते हैं अगर यही सिलसिला जारी रहा? देखिए साहब, एक तो इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप देखिए कि मैं तो 12 साल था वहाँ, 3 साल की क्या बात कर रहे हैं, ये 12 साल था मैं यहाँ पे, 12 साल से ज़्यादा। तो सर आपका दौर भी तो सुनहरी था ना, उस वक्त तो ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। नहीं तो ये तो बैकवर्ड जाने वाली बात है। आपका आप देखें कि कायर ट्रॉफी भी होती थी, पेटरन ट्रॉफी अलग होती थी, Under-19 चैम्पियनशिप अलग होती थी, ये सब आमिर को पता है, आमिर को भी पता है। और उसके साथ साथ आपने ए टीम को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, और आपकी जो सीनियर टीम थी उससे ज़्यादा बिजी तो Under-19 और ए टीम के प्रोग्राम्स होते थे, आमिर खुद गए थे जिम्बाब्वे। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या है।
और जहाँ तक आपका प्रोग्राम था, आपका प्रोग्राम 6 महीने पहले तो वो सर्कुलेट हो जाता था, समझे आप। मगर लाइक आमिर सेड एंड लाइक यू सेड के आपका जो प्रोग्राम था वो सेटल्ड था, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था कि इसके अंदर टिंकरिंग करे या ऐसे करे। इंग्लैंड के अंदर 108 साल चला था आप इनका काउंटी चैम्पियनशिप बिफोर डरम को इंक्लूड किया। आप देखें तो ज़रा कि क्या हो रहा है हर जगह, और पाकिस्तान में उससे ज़्यादा हो रहा था। मगर उसको अब अगर डिस्ट्रॉय किसी ने करना था तो कर दिया, मगर ये कहना कि ये था नहीं, ये तो बिल्कुल था। और इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई थी, इसके ऊपर अखबार ने तो तीन हफ्ते इसके ऊपर तो चलाया था एक लंबा आर्टिकल के ये पहली दफ़ा है कि पेरेंट्स ज़्यादा हैं प्लेयर से। अंडर 13 की टीम इंग्लैंड जा रही थी वर्ल्ड कप खेलने। कौन सा वो अंडर 13 का वर्ल्ड कप होता था, लॉम्बार्ड बैंकिंग था उस ज़माने में उसका स्पॉन्सर। ये सब बातें पता होनी चाहिए बिफोर यू मेक एन ओपिनियन, मगर लोग हिप से गोली चला देते हैं, वो तो ज्यादती है। सही देखिए, इसमें जो अभी इन्होंने बात की अब्दुल साहब ने, अब्दुल गफार साहब ने, उन्होंने कहा जी वो रमीज़ राजा साहब टेबल करें। द चैलेंज फॉर रमीज़ राजा इज दिस, इन्होंने जब ये CEO थे गालबन या गेम डेवलपमेंट के ये डायरेक्टर थे, ये CEO बाद में बने, इन्होंने जो प्रपोज़ किया था 7 टीमें, जब वो इमरान खान साहब का जो विज़न था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, उसमें पहले एक्स कैप्टन्स को बिठा के कंसल्टेशन थी। सब ने कहा कि नहीं ये नहीं चल सकेगा, डिपार्टमेंट को आप बंद नहीं कर सकते। रीजन के पर इन्होंने पहले रीजनल क्रिकेट बनाई, सिटी से रीजन किया, रीजन में इन्होंने 7 टीमें प्रपोज़ की, वहाँ पर एतराज़ हुए, रमीज़ राजा साहब ने 9 टीमें की। वो 9 टीमों से बढ़ के 15 पे चलेगी, साथ में डिपार्टमेंट भी खेल रहे थे, Grade 2 क्रिकेट भी थी और डिपार्टमेंटल Grade 2 क्रिकेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। कितने प्लेयर खेल रहे थे? काफ़ी, रोज़ी रोटी भी लगी हुई थी, सारा कुछ। अब उस वक्त इन्होंने 9 टीमें प्रपोज़ की, अब तो पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है। आप तो क्लेम करते हैं कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आपने बनाई हुई है, उसी रीजन की, कोयटा की आपने फुल फ्लैज उनको जो है एक प्रोविंस बना के छठी टीम उन्होंने डाला हुआ है। उधर के क्रिकेटर ही नहीं खेलते, क्यों? उधर के क्रिकेटर जहाँ पे क्रिकेट है वहाँ से आप छीने जा रहे हैं, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है अभी, वहाँ की आपने फुल फ्लेज टीम बना के वहाँ आप दूसरे शहरों से प्लेयर भेज रहे हैं। अब उनके लिए चैलेंज ये है सबसे बड़ा कि जाके प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करें कि भाई आपका जो विजन है ना 6 टीमों वाला वो हो गया फेल। जाके अगर इतनी हिम्मत है ना उनके आंखों में आंखें डाल के जाके बताएं कि जी हो गया फेल, अगर आप मुझे चेयरमैन एज ए चेयरमैन कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको जो है इम्प्लीमेंट इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करवा सकते एज ए क्रिकेटर, और जिस बंदे को पता है आज से कितने साल पहले, 19 साल पहले उन्होंने 9 टीमें प्रपोज़ की थी, अब तो भरनी चाहिए ना, ठीक है। अब वो 6 टीमों के ऊपर किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे पाकिस्तान क्रिकेट को? हाउ कुड ही एक्चुअली स्लीप के जो डिजर्विंग क्रिकेटर है वो खेल नहीं पा रहा और डिपार्टमेंट में नौकरियां प्लेयर की चले गई है, वो सड़कों पे आ गए, वो सो किस तरह सकता है सिर्फ चेयरमैन के लिए रहने के लिए? इट्स अ बिग चैलेंज फॉर हिम। ये क्रिकेट फ्रेटर्निटी का बंदा है, एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी का बंदा जो था हमारा प्राइम मिनिस्टर, उनका जो विजन था वो फ्लॉप हो गया। उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, भाई आप इससे बाहर निकलें, यू नो पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने ऊपर लेके जाना है ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। जाके हिम्मत पैदा करके उनको कन्विंस करें ना, या उनको कहें कि सारे एक्स कैप्टन्स को बुलाएं पाकिस्तान के और बैठ के जो है डिस्कशन करें कि ये वाला नहीं चल सकता। देखिए आपने 3 साल कर लिया, आई डिडंट से अटर वर्ड, आपने कर दिया, नहीं चला, अब उसको इम्प्रोवाइज करें भाई। इस चीज़ को आपको जो है एड्रेस करना पड़ेगा, वरना आपके पाकिस्तान में जो हॉकी वाला हाल है ना कि कोई हॉकी नहीं खेलता, वो क्रिकेट का भी होगा, जिसके ऊपर आप देखें जज्बात कितने इमोशंस इन्वॉल्व हैं लोगों के क्रिकेट के साथ। आपने कौम का जो मोराल था वो देखा था, जब आपकी अच्छी टीम कर रही हर बंदा खुश था, महंगाई हो रही है उनको कोई परवाह नहीं, क्रिकेट के ऊपर लगे। देखें कि उन दिनों में मीम्स ये बन रही थी, मैच जीत गए हैं रातों रात 10 रुपये पेट्रोल चुप करके बढ़ा दें, वहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, हाउ कुड यू डिस्ट्रॉय दैट इमोशन यार? आप अपने विम्स के ऊपर किस तरह कर सकते हैं?
आप खुद कहते हैं कि यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर एक बंदे का जो बादशाह तो नहीं ना चल सकती। आप बुलाएं सबको, आरिफ अब्बासी साहब को बुलाएं, जनरल तौकीर ज़ाक साहब को बुलाएं, खालिद महमूद साहब को बुलाएं, एक्स चेयरमैन एक्स क्रिकेटर को बुलाएं, बिठाएं और डिस्कस करें कि भाई आप बताएं कि ये मैंने 3 साल हो गया इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, आप मुझे क्या करना है। सही। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दें और सारे चुप करके बैठे उम्मीद करते हैं। और ये जो सारे रमीज़ राजा, मैं भी बड़ा होपफुल हूँ कि रमीज़ विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, लेकिन अगर वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने आए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डिस्ट्रक्शन है, नो सॉरी, देर इज़ नो सपोर्ट। You know, he has to stand up for Pakistan's cricket and cricketers. मैं इमोशन समझ सकता हूँ कि जिसके पीछे पूरी ज़िंदगी गुजार दी हो, जिस शोबे को पूरी ज़िंदगी दे दी हो, उसकी जवाल पजीरी या उसमें जो सुकम है वो सामने आए तो दिल में दर्द तो उठता है। किस्सा तो सुनाएं, आपने बॉल के चारों तरफ तवाफ किया है एक किस्म का, आपने भी लुत्फ़ उठाया, बॉलर ने भी लुत्फ़ उठाया, किस्सा क्या था? मुझे याद है, ये हमारा ऑकलैंड में मैच हो रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो डैनी मॉरिसन की गेंद हाथ से निकला तो मैं थोड़ा सा आगे आया, तो मुझे बासित अली ने कहा कि आमिर भाई ना करें। मैं कह यार ठहर, जब मज़ा तो लेने थे, ज़रा तो करने दें, जरा सिचुएशन क्रिएट हुई है, इनकी ज़रा दौड़ तो लगवाएं, हिट तो मैंने मारनी नहीं थी। वार्नर की इस शॉट के ऊपर तज़िया कुछ और तरह का रखते हैं, वो कहते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। देखें, वो जो भी है, बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ ही वॉज एंटाइटल्ड। अगर उन्होंने किया वो बेहतर अपनी टीम के लिए सोच रहे थे, उन्होंने किया। एट टाइम्स जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी होती है। अब्बासी साहब भी कुछ राय देना चाहते हैं। अब्बासी साहब जी, एक ये दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में इस वक्त, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक आदमी जिसने हमारी मदद की थी एज फार एज न्यूट्रल अंपायर का नाम न्यूट्रल कर दिया है, मगर वो थर्ड कंट्री अंपायर्स हैं, वो अगर सफ़ेद कोट पहनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। भारत, ये जितनी सपोर्ट हमारी ऑस्ट्रेलिया ने की थी इन द शेप ऑफ देयर कैप्टन, वो उन्हें किम ह्यूज को नहीं भेजा था, उन्होंने डेविड हुक्स को भेजा था, और डेविड हुक्स ने कहा था कि इस ये एक ही सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी कि होम कंट्री को ब्लेम किया जाता है कि भाई इनने चीटिंग की है। और ये किसी और कप्तान ने इतनी नई बैकिंग की पाकिस्तान की इतनी डेविड हुक्स ने की थी, एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि ये हर कोई तो चेयरमैन बन जाता है, मगर ये बताएं मुझे कि किसी को पता है कि चेयरमैन का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन उसका ये नहीं है कि एक जगह से कूद के दूसरी जगह चला जाए और जाके देखे, मैचेस देखे और कॉमेंट्री करे। नहीं नहीं नहीं, यू मुझे बताएं कि किसी ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, किसी ने कुछ किया है अभी तक इन द वे ऑफ इम्प्रूविंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? किसी ने स्टेडियम बनाया? उम्मीद करते हैं कि पीसीबी के अंदर मजीद इस्लाहात के लिए कोशिश होती रहेगी, और अगर कोई चेयरमैन के डेजिग्नेशन पर आया है और उसके पास आइडियाज हैं तो एग्जीक्यूशन भी उसकी होनी चाहिए। जी जी, अब्बासी साहब बात मुकम्मल करने, इसको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आरिफ अली खान अब्बासी साहब। नाज़रीन, कल के मैच पे बिलखुसूस करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदी। नाज़रीन, कल के मैच की हमने बात करनी है, लेकिन उसकी बात कल भी हम प्री मैच ट्रांसमिशन में सैर हासिल कर सकते हैं। जो डिस्कशन चल रही थी, जो पॉइंट रेज किया आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने और आमिर भाई ने भी जिस पर गुफ्तगू की, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू अब्दुल गफ्फार साहब का लेना बाकी है। अब्दुल गफ्फार साहब, आपकी तरफ आता हूँ, क्या समझते हैं जिस तरह उजागर की हैं बातें आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने और आमिर भाई जो राय रखते हैं मौजूदा चेयरमैन के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि कौन सी दिक्कत है उन्हें बेहतरी लाने के अंदर? देखिए, आरिफ अली खान अब्बासी साहब और इससे पहले उस ज़माने में 80s में स्पेशली बहुत सुनहरी दौर था, जो कि 87 का वर्ल्ड कप, 96 का वर्ल्ड कप, आरिफ अली अब्बासी साहब का दौर तो शानदार था। और मैं बेसिकली उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा था कि उस वक्त का जो तरीक़ाकार था क्रिकेट बोर्ड चलाने का, बड़े प्रोफेशनल लोग थे, वो बहुत शानदार था। लेकिन अगर आप
जक्का अशरफ साहब और जब नजम सेठी साहब का जो आप सबको भी याद होगा वो जो एक टसल चली थी, एक आए दूसरे, और ये तीन महीने में कुछ तीन दफा ऐसा हुआ, एक अजीब किस्म का तमाशा लगा था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये चीजें अब होना यहाँ शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल मामलात की वजह से आपकी इंटरफेरेंस होती है। नजम सेठी साहब को भी घर जाना पड़ा ना, इसी तरह रमीज राजा साहब मौजूद हैं, बट जब तक ये गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वो हैं, बट जहाँ कुछ होगा आपको ही पता है, हम सबको पता है। दूसरा, आमिर साहब जो बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, रमीज राजा साहब ने माजी में जो स्टांस लिया था उसको करना चाहिए, लेकिन इसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की वजह से ही तो जब एक शख्स आपको लेकर आया है क्रिकेट बोर्ड में, आपको पता है हमारे कल्चर में क्या होता है, यही चीज़ करने की कोशिश की थी। मिसबा अजहर, ये सारे प्लेयर्स गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उस वक्त एहसान मानी साहब भी उनके साथ मौजूद थे। ये बड़े, उसके बाद आज तक ये लोग बात करते हैं कि उसकी ये बात पसंद नहीं की गई थी। अगर आप इंडिपेंडेंट किस्म के लोग और इंडिपेंडेंट प्रोसेस से लोग नहीं लाएंगे तो वो अपनी मर्जी और अपने विजन के मुताबिक नहीं चला सकेंगे। अब ये विजन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही एक चेयरमैन को अपॉइंट किया है, तो पहले आप इस निजाम को इंडिपेंडेंट कीजिए ताकि लोग इंडिपेंडेंट होकर नहीं कह रहा करना चाहिए उनको। Can I ask you a question? जी आमिर भाई, मुझे आप बताएं, सच्ची सच्ची बताएं, ये सिस्टम पाकिस्तान को कुछ देगा? बी ऑनेस्ट। आमिर भाई, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि ये चीज तब्दील होनी चाहिए, बस मैं आपको वो पॉइंट वापस बता रहा हूं। नहीं, टोटली विद यू। नहीं, आरिफ अब्बासी साहब ने आपकी बात को निगेट नहीं किया था, उन्होंने कहा था ये पहले होता था, उन्होंने यही आपको एग्जाम्पल दी कि मैं 12 साल रहा इसलिए बेहतरी आई। और आपकी बात को भी हम लोग जो है वो बिल्कुल सेकंड कर रहे हैं कि जब तक कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। देखिए, मैं पिछले 10 साल से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाए, या ओलंपिक एसोसिएशन का, या किसी भी और एसोसिएशन का, एक स्पोर्ट्स काउंसिल होनी चाहिए जो कंप्राइज होनी चाहिए एक्स कैप्टन्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एक्स जो ऑफिशियल्स हैं उनकी एक कमेटी होनी चाहिए, वो मौजूदा हालात को देख के वो अपॉइंट करें लोगों को इंटरव्यू करके कि भाई इस सूरत हाल में आप क्या करोगे कि खेल में बेहतरी आए, तब जाके चीज़ें बेहतर होना शुरू होगी। अगर पॉलिटिकल एजेंडे पे काम होंगे तो ये हमारी स्पोर्ट्स जिस तरह हॉकी ख़त्म होगी ये रह गई है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। Agreed, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे प्रोफेशनल्स के हाथ में चीजें होनी चाहिए। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी जब मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, फीफा आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा था कि आप अकेडमीज पाकिस्तान में बनाएं, गवर्नमेंट साहब को जगह ही नहीं देती थी क्योंकि जो उस वक्त फुटबॉल का चेयरमैन था वो किसी और पार्टी का था। जब ये वाली हालत होगी तो आप किस तरह, तो वो मैं इसीलिए 10 साल से कह रहा हूँ स्पोर्ट्स आपकी जो है वो काउंसिल बननी चाहिए, स्पोर्ट्स काउंसिल बननी चाहिए। आमिर भाई, बात इतनी खूबसूरत है और ये वो नुकता है, मैंने कल भी कहा था अगर इसको छेड़ा जाए तो हमारे बेशतर प्रोग्राम्स इस पे खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन, हम कल के मैच पे तो बात करना चाहते थे लेकिन बुनियादी स्ट्रक्चर भी बेहतर करने की ज़रूरत है, जो तहफ़ुज़ात हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। कल मैच ट्रांसमिशन जो फ्री होगी 6 बजे आपको मिलेंगे। अब्दुल गफ्फार साहब, आपका बहुत मशहूर हूँ, मुझे और आमिर भाई को फिफ्थ से दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।